नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल डिजिटेक इन्फो में। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपके टीवी में इस प्रकार से नो सिग्नल आ रहा है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि नो सिग्नल आ गया तो आप कहीं ना कहीं डिश की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उसकी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जाएंगे। सबसे पहले इसके दो तीन पॉइंट है जो आपको बताऊँगा। यहाँ पर हमें सोर्स में जाना है। LED में लिखा रहता है, कहीं सोर्स होता है, कहीं इनपुट लिखा रहता है, कहीं टाइप किस के नाम रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम अगर दबाते हैं यहाँ पर, इस तरह से एक विंडो खुल जाती है और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर TV AV और ये कई सारे पोर्ट हैं जिस पर भी आपने, जैसे आपने TV में ऑडियो वो लगा है, ऑडियो वीडियो वाला जो लीड होती है 3 पिन वाली, वो लीड लगी तो आपको AV पे करना है। और कई LED में रहता है AV1 AV2 AV3, तो एक एक बार सब पे करके देख लें। अगर आपको ये नहीं पता कि पोर्ट में कौन से में लगी है लीड, तो एक एक बार सब पे कर ले, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, आप ये देख लें कि अगर आपके सेटअप बॉक्स में HDMI केबल लगा है, ये वाला जो HDMI रहता है ये लगा है, तो आपको HDMI करना है। HDMI भी कई पोर्ट होते हैं, 1, 2, 3, तो तीनों पे करके देख लें अगर आपको नहीं पता किस पोर्ट में लगा है, ठीक है। और तब भी आपका TV नहीं चलता है किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, केबल बदल के देख लेना चाहिए। और दूसरी बात, आपको दोस्तों यहाँ सेटअप बॉक्स भी देख लेना चाहिए। जैसे इसमें रेड लाइट अभी जली है, तो रेड लाइट इसमें जली हुई होगी तो इसका मतलब आपका सेटअप बॉक्स बंद है, मतलब उसको ऑन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सोर्स पर हम गए, ठीक है। इसके बाद ये अगर इसमें AV पे लगा है तो हम AV पे ओके कर देंगे तो हमारा TV यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। कब चलेगा, लेकिन जब हमारा सेट बॉक्स ऑन होगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। इस चीज़ में बड़ी दिक्कत कई लोगों को हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।